नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप बेरोजगार और किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार भर्ती, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी महीने की 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक मिलेगी। तो दोस्तों, ये भर्ती एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई है, जिसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। इस कंपनी के द्वारा देश भर से ये हायरिंग की जा रही है। हालांकि दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये सरकारी जॉब नहीं है, ये एक प्राइवेट जॉब है जो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा दी जा रही है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, ये IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है, जिसका ऑफिस दिल्ली में है। इसके अलावा यहाँ पे इसके मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह की सभी जानकारी दी गई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी करना है, तो आप इन पर कॉल या ईमेल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप देखेंगे इस कंपनी के द्वारा एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए ये भर्ती निकाली गई है, जो कुल 1,074 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें वेतन रहेगा 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक का वेतन है। अगर बात करें इसमें आयु सीमा की, तो दोस्तों इसमें 18 से 30 वर्ष के बीच कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें पात्रता, तो दोस्तों इसमें 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। मिनिमम इसमें 10वीं पास रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है। यह हायरिंग देश भर से की जा रही है, इसलिए दोस्तों इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपको मतलब कोई भी विमानन या एयरलाइंस प्रमाण पत्र और डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। मतलब दोस्तों, अगर आपने सामान्य 10वीं या 12वीं कर रखा और किसी भी प्रकार का कोई डिप्लोमा या कोई अन्य कोर्स नहीं कर रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट इसमें भर्ती हो सकते हैं, ये इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी ने ITI कर रखा तो वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। नौकरी प्रोफाइल, तो दोस्तों नौकरी प्रोफाइल से संबंधित इसमें यहाँ पे जानकारी दी गई है, जिसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या इसमें जानकारी है। तो दोस्तों, मैं एक बार ये इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ के बता दूं, ताकि आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों, ये इसमें अगर बात करें कार्य की, तो दोस्तों हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से यात्री चेक इन, एयरलाइन टिकट आरक्षण, बोर्डिंग और सभी टर्मिनल कार्य होते हैं। यात्रियों के साथ साथ एयरलाइन की संतुष्टि भी प्रमुख आवश्यकता है। कार्य पैटर्न लिंग की परवाह किए बिना रात्रि पाली सहित 3 पारियों में होगा। रोटेशन के आधार पर 1 साप्ताहिक अवकाश होगा। प्रदर्शन और वर्षों की संख्या के आधार पर करियर में प्रगति होगी। पात्रता के अनुसार आकस्मिक अवकाश, बीमारी अवकाश, विशेषाधिकार अवकाश के लिए पात्र और EPFO आदि के लिए पात्र है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, इसमें लिखित परीक्षा ली जाएगी, मतलब आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसके बाद अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको इसमें हायर कर लिया जाएगा। अगर बात करें तो दोस्तों इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें आवेदन आप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी 7 जुलाई 2024 इसकी अंतिम तिथि है। और रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट दोस्तों इसके एग्जाम होने के 15 दिनों के बाद तुरंत एग्जाम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा की तिथि अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, मतलब अप्लाई किया जा रहा है, जो 7 जुलाई तक इसमें आवेदन लिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें लिखित परीक्षा से संबंधित क्या क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी गई। जो 100 नंबरों का आपका पेपर लिया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 25-25 नंबरों के होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य जागरूकता, विमान ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान, कौशल और विचार से संबंधित, ये सारे 25-25 नंबरों के 25-25 क्वेश्चन होंगे, जो 1.5 घंटा में आपको से लिया जाएगा। और अगर बात करें सिलेबस की विवरण की, तो दोस्तों आप देखेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता उत्तरक, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, विमानन ज्ञान, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसमें किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। इसके अलावा एग्जाम से संबंधित सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो परीक्षा केंद्र की, तो दोस्तों अलग अलग स्टेट में परीक्षा केंद्र बनाए गए। तो दोस्तों, अगर आप देश भर में से कहीं से भी अप्लाई करते हैं, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी परीक्षा केंद्र में के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर बात करें इसमें परीक्षा शुल्क, तो दोस्तों परीक्षा शुल्क 350 रुपये रखा गया, जो एक बार भुगतान किया जाएगा। शुल्क किसी भी प्रकार से वापस नहीं किया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी गई है, आप इसकी में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इसी आवेदन कैसे करें, तो दोस्तों आवेदन इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस कंपनी की, यहाँ पे जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूछी गई जानकारी एकदम बिल्कुल सही सही भरनी है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी बहुत ही शानदार मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।